जय हिंद प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो के कट ऑफ के बारे में कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो पद में 2023 का कट ऑफ कितना रहने वाला है, आज की इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो पद दोनों का फॉर्म अप्लाई किए हैं। आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले हम एक फॉर्म का अप्लाई के बारे में बताएंगे कि कटअप आप सभी का कितना जाएगा, हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो पद दोनों का 100 नंबर का आप सभी को बताएंगे। उसके बाद 200 नंबर का बताएंगे कि 200 नंबर में आपको कितना मिनिमम लाना होगा कि आपका 2023 में सिलेक्शन हो सकता है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी का जो फॉर्म का स्टेटस है, अगर आप सभी ने नहीं चेक किया है तो जाकर पहले चेक कर लें कि आप सभी का फॉर्म सक्सेसफुली हो चुका है या रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है ना फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि इसमें सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वाले स्टूडेंट से मांगा गया है और वाइट बैकग्राउंड के साथ बहुत सारे स्टूडेंट का फोटो पासपोर्ट साइज नहीं है, जिसके वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है ना फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो आप सभी पहले स्टेटस अपना चेक कर लीजिएगा कि आप सभी का जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो पद का जो फॉर्म अप्लाई किए थे, क्या वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या सक्सेसफुली, आप पहले जान लीजिए। दोस्तों कट ऑफ जानने से पहले आप सभी को बता दें कि 2023 से पिछले वर्ष में जो हुआ है 2019 वाला, ये सभी में कट ऑफ किस प्रकार का था, ये अगर आप जान जाइएगा तो आप सभी 2023 का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आप सभी को यही बात बताएंगे कि आप लोग अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों आप सभी को बता दें, जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी यहाँ पर लिख देते हैं आपको। दोस्तों जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी का बात किया जाए तो जनरल में जब 2019 की जब बात किया जाए वैकेंसी की, तो वहाँ पर आप सभी का जो कट ऑफ था जनरल वाला का वो था 60, ओबीसी का जो कट ऑफ था वो 55 था और एससी एसटी का जो कट ऑफ था वो 40 और 45 के आसपास का कट ऑफ था। दोस्तों ये 2019 का कट ऑफ की बात किया जा रहा है, लेकिन आप सभी यह सोच रहे होंगे कि 2023 में कट ऑफ हल्का फुल्का बढ़ने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को बता दें, क्योंकि यहाँ पर 2023 और 2019 का फर्क, 2017-2016 का फर्क आप सभी को हम बता दें इसमें क्या है। पिछले कुछ वर्षों में और अभी का जो समय में बहुत का डिफरेंस सोशल मीडिया डेवलप किया है, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट या सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनो का पद तक नहीं जानते थे। लेकिन यह 2000 जब से सोशल मीडिया इतना डेवलप किया है, तब से यह सभी हेड कांस्टेबल हुआ, एएसआई स्टेनो पद हुआ, यह सभी में लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूकता लाए हैं और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन सभी लोग सोशल मीडिया के थ्रू इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके वजह से 2023 का जो कट ऑफ है एएसआई स्टेनो हो या हेड कांस्टेबल हो या सभी में जो 2023 का कट ऑफ रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है, क्योंकि यह 2016 या 2017 का समय नहीं रहा है। इस समय में सभी लोग जो जानते हैं कि इस वैकेंसी में इतना फॉर्म है, इस वैकेंसी में इतने एलिजिबिलिटी मांगा जा रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है काफ़ी सारा मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी अगर सोच रहे हैं कि 2019-2017 वाला वैकेंसी में मतलब 100 नंबर में 60 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी की बात किया जाए तो 55 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, एससी एसटी 40-45 में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2023 में आप सभी को सटीक बताएं कितना मिनिमम आप सभी को लाना होगा। अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो कम से कम 80-90 नंबर आप सभी को हिट करना होगा, कम से कम 80 नंबर आप सभी को हिट करना होगा जनरल से हैं तभी। जनरल से अगर आप हैं, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल फॉर्म अप्लाई किए हैं 2023 का, तो मिनिमम आपको 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होगा, 80 कम से कम सही होना चाहिए आपका। ओबीसी का बात किया जाए तो ओबीसी में आप सभी का 70-75 क्वेश्चन को आपको हिट करना होगा, कम से कम सही करना होगा। और वही एससी एसटी की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको कम से कम मिनिमम जो है ना इसका 70 है, तो आपको 65-70 ही रहना है। ओबीसी और एससी एसटी में उतना भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 65-70 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा ही, सही करना होगा, तभी जाकर आप सभी का जो मेरिट है वो बनने वाला है। नहीं तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो का जो पद है इसमें आप सभी का मेरिट नहीं बन पाएगा। बहुत सारे इसमें स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बहुत सारे टीचर, बहुत सारे यूट्यूबर
काफी तरह तरीके से बताए होंगे कि 60 में सिलेक्शन हो जाएगा, 50 में सिलेक्शन हो जाएगा, 20 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, मेरे भाई आप मेरे छोटे भाई हो तो आप सभी को मैं बता दूं, पिछले वर्ष का डाटा आप ले लो और या 2023 का आप डाटा ले लो, इसमें सोशल मीडिया कितना डेवलप किया है ये सोच लो। 2019, 2016, 2017 में उतना CRPF, हेड कांस्टेबल में ये सब पद ना बहुत सारे स्टूडेंट जानते ही नहीं थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया इस तरीके से डेवलप किया है तब से इस सभी चीज़ों में जागरूकता बहुत ही ज़्यादा आई है। पहले तो उतना स्टूडेंट फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाते थे, 100-200 फॉर्म के नाम पर बच्चे अप्लाई ही नहीं कर पाते थे, 1-1.5 लाख फॉर्म अप्लाई होता था। लेकिन इस बार जो है हेड कांस्टेबल में ही 6-7 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आप सोच लो कि कितना आप सभी का कटअप जाने वाला है। 6-7 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं तो मिनिमम कितना भी कटअप जाएगा ना तो कम से कम जनरल का 80-100% जाएगा ही। अगर आप सभी को विश्वास नहीं होता है तो जब मेरिट आएगा, मेरिट बनेगा तो आप लोग यकीन उस टाइम कर लीजिएगा। लेकिन आप सभी से एक छोटा भाई हो तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट यही बोलना चाहता हूँ कि कम से कम अगर आप जनरल से हैं तो 80 नंबर के आंकड़ा रेशियो लेकर आप चले, अगर आप OBC से हैं तो कम से कम 75 नंबर का लेकर चले। मान लीजिए अगर कम होगा तो अच्छी बात है, अगर जितना आप ज़्यादा लेकर चलते हैं तो और बेहतर बात है कि आपकी प्रिपरेशन स्टैंडर्ड हाई लेवल की हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि CRPF हेड कांस्टेबल एंड ASI स्टेनो पद का कटअप 2023 में कितना जाने वाला है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय।